जो खूबसूरत मायामी आप आज देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी ड्रग मनी से। ये शहर बना था कोकेन के पैसे से। चप्पा चप्पा 80 के दशक में जिन भी लोगों का अमेरिका में कोकेन से वास्ता था, उनका रास्ता मायामी से होकर जाता था। मायामी कोकेन सिटी है। ये अमेरिका और बहामास के बीच का मुख्य कोकेन ट्रांजिट पॉइंट है। सिर्फ ये शख्स ही लाखों डॉलर की कोकेन स्मगल करता था। इस काम के मुझे लाखों रुपए मिलते थे, उससे कम का तो सवाल ही नहीं था। राइवल गैंग्स ड्रग्स के मुनाफे का हिस्सा पाने के लिए आपस में जूझते थे, जिससे मायामी में सबसे ज्यादा कत्ल होते थे। और यही आधार बना मेरे बचपन के पसंदीदा टीवी शो का। इसी से मुझे कोकेन अंडरवर्ल्ड की पहली झलक मिली। इसमें पैसे, मारामारी और इसके मशहूर किरदारों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। साथ ही क्रॉकेट की फैशन चॉइसेस थी ही। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि दशकों बाद मायामी में फिर से स्मगलिंग इतना सर उठाएगी। और मैं इन ट्रैफिकर्स का पीछा कर रही होंगी। ये स्मगलर फिर से पुराने रूट चालू कर रहे हैं। पूरे सेंट्रल और साउथ अमेरिका को जोड़ना चाहते हैं ये। ये कहानी है दुनिया के सबसे बदनाम और बेकाबू स्मगलिंग रूट्स में से एक की। आपके पास कितने ड्रग्स हैं? कोकेन एक ऐसी चीज है जो इस देश को पालती है। वो सब ड्रग्स की तस्करी करते हैं। अमेरिका ने पिछले 40 साल ड्रग्स से जूझने पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, फिर भी कोकेन इतनी सस्ती और इतनी ज्यादा मिलने वाली चीज कैसे बनी? पुलिस यूं ही किसी को नहीं पकड़ती, खबरी बताते हैं। चलो चलते हैं, हम पर नजर रखी जा रही है। कौन है वो लोग जो अमेरिका की पसंदीदा ड्रग डिलीवर करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? मैं इसे बचाव के लिए रखता हूँ, ग्रेनेड है। मैं 4,800 किलोमीटर के सफर पर यही जानने निकली हूँ कि इन हरी पत्तियों से कैसे बनती हैं सफेद पंक्तियाँ। रुक जाओ, यहाँ पर चेकिंग जरूरी है। ये पुलिस का चेक पॉइंट है। कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग सर। सर क्या आप मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे? ठीक है, सब ठीक है ना? एक सेकंड रुकिए, हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। ब्लैक मार्केट्स की जांच पड़ताल के सिलसिले में कुछ चेक पॉइंट्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप क्या लेकर जा रहे हैं? फिल्मिंग इक्विपमेंट, शूटिंग का सामान है। लेकिन घबराहट ज्यादा होती है जब आखिरी चेक पॉइंट होता है, जिसके बाद आप ऐसे इलाके में पहुँचते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये लीजिए, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। तो ये लोग ड्रग्स की आवाजाही रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ सही कहा, हम क्योंकि एक फिल्म क्रू हैं, इसलिए इन्होंने ज्यादा तलाशी नहीं ली। लेकिन अक्सर हर चीज की तलाशी होती है, हर चीज की, यहाँ तक कि टायर्स की भी। ये पूरी कार उथल पुथल करके रख देते हैं। ये लोग हमेशा यहाँ होते हैं? ऐसा ही है। चेक पॉइंट को पार करते ही हम ऐसे बेकाबू इलाके में दाखिल हो गए जहाँ दुनिया की कुल कोकेन का करीब 20% हिस्सा बनता है, जो है व्रेम। मुझे इस बात पर गर्व नहीं है, लेकिन हम सबसे अच्छी कोकेन बनाने वाले प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ कोको की पत्तियाँ काफी ज्यादा मिलती हैं, उन्हीं से कोकेन बनती है। यानी कि यहाँ बनने वाली कोकेन की क्वालिटी अच्छी होती है? बेहतरीन। इस दुनिया के बारे में मुझे बता रहे हैं मेरे दोस्त सविचे, जो रेम में कई साल रह चुके हैं। यहाँ ये लोग कोका की पत्तियाँ सुखा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो पत्तियां सूख रही हैं सब कोका है? हाँ, ये कोका है, देख रहे हैं आप? ये ब्रेम में स्थानीय लोग हजारों सालों से कोका उगाते आए हैं, लेकिन ये कोई आम फार्मिंग कम्युनिटी नहीं है। सब लोग सावधान, यहाँ हम लोग जूझते हैं अपराध से, और उन लोगों से जो चोरी करते हैं, और उन लोगों से भी जो अपराध करते हैं। हम सांता रोजा में कानून लागू करेंगे। हम हैं कमिटी ऑफ सेल्फ डिफेंस। इस पूरी घाटी में इस तरह के हथियार बंद ग्रुप्स का एक हुक्म चलता है। कोका फार्मर से सैनिक बने इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपने समुदायों और अपनी फसल की रक्षा करें। तो यही है कोका? कोका लीव्स मतलब। ठीक है, आप इसे इस तरह चबाते हैं? क्या मैं भी इसे चबा लूं, ये ठीक रहेगा? सिर्फ चबाना है, निगलना नहीं है।
मैं चबा रही हूँ। ये कह रहे हैं कि इन्हें चबाना है, निगलना नहीं है। समझ गई। इनका स्वाद आम पत्ती जैसा है। इससे मुँह थोड़ा सुन हो जाता है ना? जी जी, क्योंकि इसमें ड्रग है। समझ गई। फ्लेवर अच्छा है पर कड़वा है, लेकिन बढ़िया है। यहाँ पेरू में कोका लीव्स को उगाना और बेचना वैध है, लेकिन अगर आप कोका की पत्तियों को प्रोसेस करके कोकेन बनाने लगें, तो ये अवैध है। इससे आपको ताकत मिलती है? जी हाँ, ताकत और हिम्मत। ताकत और हिम्मत। ताकत। समझ गई। शुरू में इन सैनिकों को शाइनिंग पाथ नाम के एक बेरहम कम्युनिस्ट ग्रुप से टक्कर लेने के लिए बनाया गया था, जो 1980 के दशक में काफी ताकतवर संगठन था। इसके सदस्य पेरू की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कई दशक से सिविल वॉर चलाते आए हैं। हमारे दुश्मन मौजूद हैं वहाँ सामने पहाड़ों में। शाइनिंग पाथ के लोग वहीं पर हैं। स्मगलिंग से जुड़े मुख्य रास्तों पर शाइनिंग पाथ का कब्जा है और ये अपने इलाके को बढ़ाने के लिए समुदायों पर हमला करते हैं। ये ग्रुप कोका लीव्स उगाने वालों, कोकीन बनाने और स्मगल करने वालों से उन्हें प्रोटेक्शन या सेफ पैसेज देने के नाम पर पैसा ऐंठते हैं। ये बात छिपी हुई नहीं है कि शाइनिंग पाथ ड्रग ट्रैफिकिंग के बल पर ही टिका हुआ है, बल्कि रेम में तो हर किसी पर ये बात लागू है। हमारी आबादी कोका लीव्स की बिक्री से ही रोजी कमाती है। यहाँ और कोई प्रोडक्ट नहीं है। रेम में यही रोजी का इकलौता जरिया है। ब्रेम की सियासत काफी पेचीदा है। सब लोग पोजीशन लो। शाइनिंग पाथ के खिलाफ जूझने और अपने परिवारों को पालने के लिए ये किसान कोका लीव्स बेचते हैं और खरीदार से कभी नहीं पूछते कि वो इनका क्या करेंगे। शाबाश, भागो भागो, जल्दी करो। नीचे जमीन पर झुको। शाबाश शाबाश, भागो। पर हकीकत ये है कि ब्रेम में कोका लीव्स का करीब 94% हिस्सा ड्रग ट्रैफिकर्स के पास जाता है। यहाँ ड्रग ट्रेड छोटे छोटे फैमिली क्लैंस के नियंत्रण में है। ये सब अलग अलग काम करते हैं और अजनबियों को शक की नजर से देखते हैं। बाहरी लोगों को देखकर इन्हें लगता है कि वो अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं। इसीलिए मैं इस प्रोसेस के अंतिम चरण में दाखिल होने के लिए सिवेचे की मदद ले रही हूँ। मेरे पास एक टैक्सी होती थी जिससे मैं लोगों को एक से दूसरे शहर ले जाता था। कभी कभी इनके पास सप्लाईज होती थी। सप्लाईज माने कोकीन? नहीं। तो फिर? सप्लाईज कोकीन में डालने वाली अच्छा। एक चीज है, एसिड, कोका लीव्स। पर आपको ये तो मालूम था ना कि इससे कोकीन बनती है? एक बार किसी के पास 5 कंटेनर ब्लीच के थे, मुझे लगा इतने कपड़े कौन धोता है। जब आपको पता चला कि मकसद क्या है उनका, तो आपने क्या किया? बस मंजिल तक पहुंचा दिया। पता चला कि सिवेचे का एक पूर्व मुसाफिर अब भी कोकीन के धंधे में सक्रिय है। वो एक ऐसे फैमिली क्लैन का हिस्सा है जो कोका लीव्स को खरीद कर उनसे कोकीन पेस्ट बनाता है। ये काम पेचीदा है, सिर्फ भरोसा होने पर ही वो आपको इसे दिखाएंगे। यहाँ से वहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं? 1 घंटा। इनका कॉन्टैक्ट मुझसे मिलने को राजी तो हो गया, लेकिन मुझे बहुत कम सूचनाएं दी। हमसे कहा गया कि हम शहर से बाहर निकल कर आगे की इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करें। तो हम इन कच्ची सड़कों पर पहाड़ों में 1 घंटे का सफर करेंगे। हम दुएनियों से मिलने जा रहे हैं, जो एक ड्रग ऑपरेशन का मालिक है, जिसने जंगल में हमें अपनी लैब में शूटिंग करने की इजाज़त दी है। मुझे बस ये पता है कि मुझे वो जगह देखने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जहाँ से कोकेन अमेरिका तक 4800 किलोमीटर लंबा सफर शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल हम वहाँ पहुँचने को लेकर नर्वस हैं। हमें कहा गया है कि जब भी हमारी तरफ कोई कार आए या हम किसी ऐसे कस्बे से गुजरें जहाँ लाइट्स हों, तो हम अपने चेहरे छिपा लें, क्योंकि ये बाहरी लोगों को नहीं देखना चाहते ताकि शक हो। कैमरा नीचे करो, ये इलाका काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि हमें इस कोकेन लैब को देखने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें कई ऐसे इलाकों से गुजरना होगा जो दूसरे क्लैंस और मिलिशिया के हैं, जिन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं। यहाँ पे रुको 1 मिनट के लिए, अपनी हेडलाइट्स बंद करो। तो मैं थोड़ी परेशान हूँ, सड़कें सुनसान हैं, बहुत अंधेरा है। तभी अचानक एक आदमी हमें नजर आता है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कौन है। क्या आप हमारे साथ चलने के लिए आए हैं? हाँ ठीक है। आप वहाँ काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप?
हाँ, मैं एक केमिस्ट हूँ। इस पूरे ऑपरेशन की एक अहम कड़ी ये केमिस्ट इस पहाड़ी सड़क पर घुप अंधेरे में खड़ा हुआ था। कभी कभी ऐसी बातें समझना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ सेफ है, यही जानने के लिए आप ऐसे अंधेरे में खड़े थे। चलिए अब चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब लाइट्स बंद कर दो। मेरे साथ आइए, हम जंगल में जा रहे हैं। ये हमारा कस्बा है, तो आप अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए। ठीक है। कस्बे के लोग एक साथ काम करते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ बाहर आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कस्बा पास ही है, अगर लोगों ने हमें देख लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। ये लैब्स स्थानीय समुदायों की कमाई का जरिया है। इनके बिना कोका लीव्स की मांग बहुत घट जाएगी, इसीलिए गांव वाले इतनी एहतियात बरतते हैं। देखा जाए तो हम उनकी रोजी रोटी के लिए खतरा है। केमिस्ट ने मुझसे वादा लिया है कि मैं इस जगह का खुलासा नहीं करूंगी, और मैंने उससे कहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे तो अपने पैर ही नहीं दिख रहे हैं, तो इस इलाके का क्या पता। कितना अंधेरा है, दिख ही नहीं रहा। ओ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो यही है वो जगह? पहुंच गए। यही है वो जगह, कमाल है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसी जगहों पर जाकर हमेशा दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये है कोकेन पिट। यहीं से इस मोटे मुनाफे वाली चीज की शुरुआत होती है, जिसका बहुत बड़ा काला बाजार है। लेकिन जब मेरे अंदर का रिपोर्टर थोड़ा शांत हुआ तो समझ आया कि ये पूरा काम कड़ी मेहनत और साधारण सी केमिस्ट्री पर टिका है। क्या बात है, बढ़िया। मैं आ जाऊं? इस काम चलाओ लैब में अब ये लोग प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शोधकर्ताओं ने 150 साल से भी पहले ये पता लगा लिया था कि कोका लीव से कोकेन कैसे बनती है, और अमेरिका के लोगों को 19वीं सदी में इस ड्रग का पहला टेस्ट कोका कोला में मिला, जिसके बाद 1914 में सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसकी गंध तो जबरदस्त है। ये लोग इसके ऊपर वाले हिस्से को अलग कर रहे हैं, जो फ्यूल है, और नीचे वाला हिस्सा जो क्लियर लिक्विड है, ड्रग्स उसी में है। इसका रंग काफी गहरा है, और ये नीचे वाला जो साफ हिस्सा है, ये क्या है? यही तो वो ड्रग है। अच्छा, यही ड्रग्स है। ये लोग इसे क्लियर लिक्विड सूप कहते हैं। आप ये पानी चख सकती हैं। अच्छा, ये आपके मुंह को एकदम सुन्न कर देगा। ट्राई करना चाहेंगी? नहीं शुक्रिया। ये पूछ रहे हैं क्या क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हाँ छू लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। पक्का कोई नुकसान नहीं है? हाँ कोई नुकसान नहीं होगा। ये ठंडा है। ओह देखिए, इसे कमाल की चीज है। ये सोचकर हैरानी होती है कि कुछ हफ्तों में ये जंगल सूप अमेरिका के कुछ लोगों के इस्तेमाल में आ रहा होगा। अब वक्त है आखिरी चरण का, इसे ठोस में बदलने का। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। अच्छा, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी काम करना होगा। इस लैब पर बहुत से लोगों की रोजी टिकी है, फिर भी सिवेचे का दोस्त हमें ये सब दिखाकर एक बड़ा जोखिम उठा रहा है। तो जब कुछ पल के लिए केमिस्ट यहाँ से गया तो मुझे चिंता होने लगी। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, पर क्यों? क्योंकि लोगों ने हमें देख लिया है। किसने देखा हमें? गाँव के लोगों ने। हमारे खबरी ने बताया कि गांव वालों को हमारे यहाँ होने का पता चल गया है, तो हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से चलो, जल्दी करो। सब कुछ ले लिया? चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो।
उन्होंने कहा हमें सड़क पर किसी ने आते हुए देख लिया था, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। क्या सब ठीक रहा? नहीं नहीं, चलो यहाँ से। अच्छा बताओ, सब लोग आ गए हैं क्या? शुक्र है कि हम बिना किसी गड़बड़ के निकल आए, लेकिन उत्तर की तरफ इन ट्रक्स का लंबा सफर अभी बस शुरू हुआ है। ब्रीम में एक नए दिन की शुरुआत है। पिछली रात वाली कोका पेस्ट सख्त होकर ईंट की शक्ल में बदल गई है। अब अगली चुनौती है इन्हें घाटी से बाहर ले जाना। इसका सबसे आसान जरिया है विमान, लेकिन अब परों की सेना को संदिग्ध ड्रग फ्लाइट्स को शूट करके गिराने की इजाजत है। एक और विकल्प है सड़क के जरिए से ले जाना, लेकिन सड़कों पर पुलिस के ढेरों चेक पोस्ट होते हैं। ऐसे में इनको ले जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बैकपैक। लैब चलाने वाले लोगों ने ही हमसे कस्बे के बाहर एक पगडंडी पर मिलने को कहा है, जो एंडीज की तरफ है। ठीक है, हम काफिले के पीछे पीछे हैं, हमारे आगे दो कार्स चल रही हैं। ठीक है, हम पहुंच गए। ठीक है, सब तैयार हैं? ठीक है, मैं अपना हेडलैम्प निकाल लेती हूँ। इन लोगों को मोचिलेरोस कहा जाता है, स्पेनिश में बैकपैकर। इनके बैकपैक्स ब्रिक्स और पाउडर से भरे हैं। इन्हें कोकेन जगत का शेरपा कहा जाता है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि कल रात वाला केमिस्ट भी एक मोचिलेरो है। तो ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना इसे बनाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है ना? हाँ बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज्यादा खतरनाक है। इस जगह की ऊंचाई 1830 मीटर यानी 6000 फीट से भी ज्यादा है। अभी 15 मिनट ही हुए हैं और मेरी सांस फूल गई है, थक गई हूँ, हाँफ रही हूँ मैं, जबकि मेरे पास तो वजन भी नहीं है। क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 3:30 बजे हैं। हम बस रुके हैं थोड़ा सांस लेने के लिए। आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या है? हाँ, इसे मैं बचाव के लिए अपने साथ रखता हूँ। राइफल? इसके अलावा आपके पास और क्या चीजें हैं? मेरा पाइनएप्पल। आप इसे पाइनएप्पल कहते हैं? हाँ, इस ग्रेनेड को। इस धंधे से जुड़ा हर इंसान हथियारबंद होता है। ऐसी पगडंडियों पर इन्हें विरोधी क्लैंस, भ्रष्ट पुलिस वाले और तमाम तरह के चोर मिल सकते हैं। मैंने पूछा कि अगर इन पर हमला हो जाए तो क्या होगा? जंग छिड़ जाएगी, बहुत खून खराबा होगा। अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को मारना होगा। मैं पेरू के पहाड़ों से मायामी के नाइट क्लब्स तक के कोकीन हाईवे को छान रही हूँ। सुबह 4 बजे का वक्त है और मैं कुछ युवाओं के साथ हूँ जो अपनी जान खतरे में डालकर ब्रीम वैली से 30 किलो कोकीन बाहर निकाल रहे हैं। तो ये चीजें आप अपने साथ रखते हैं? ट्यूना कैन, सॉल्टीन्स, ये प्लास्टिक है जिसे अपने आप को बरसात में ढकते हैं, और ये है अल्कोहल। इनका कहना है कि इससे ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होती क्योंकि ऊंचाई पर जाना होता है। और ये है ड्रग, इसकी कीमत है करीब 65,000 रुपये किलो, और अमेरिका में प्रोसेस होने के बाद इसकी कीमत हो जाएगी करीब 18 लाख। आपके पास कितने किलो ड्रग है? हमारे पास 25 से 30 किलो है। ये सारी? हाँ ये सारी। कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अपने साथ करीब 5 करोड़ रुपए की रॉ कोकीन ले जा रहे हैं। ये है वो ड्रग, स्टोन। अच्छा, स्टोन, पत्थर जैसी। कोकीन पिट से हमें यही चीज मिलती है, पाउडर इसी से बनता है। ये है पेरुवियन कोकेन पेस्ट और दुनिया में इसकी बड़ी मांग है। ऐसे ही ब्रिक्स को एस्कोबार विमान से कोलंबिया ले जाता था। इसे सूंघ कर देखिए। सूंघ कर देखो। सूंघ के?
हाँ बिल्कुल सूंघ सकते हैं। थोड़ा अजीब है। ये बड़ी मामूली चीज लग रही है, सोचकर हैरानी होती है कि इसकी वजह से कितना खून खराबा होता है। तो अभी तक आपके साथ सबसे खतरनाक हादसा क्या हुआ है? हमें घेर लिया गया था। किसने घेरा? चोरों ने। कितने लोग थे? करीब 10। सब हथियार बंद थे। मैं तो डर गया था। तो किसी को चोट पहुंचाई उन्होंने? हाँ, कुछ की तो जान भी चली गई थी। तुम्हारे दोस्त थे वो? कितने थे? 3 लोग थे। ओ अच्छा, उस हमले में मरने वालों की क्या उम्र रही होगी? 19 या 20 का, इतनी ही उम्र होगी। जवान थे। हाँ, काफी ज्यादा। क्या ये काम करने वाले लोग छोटी उम्र के ही होते हैं? हाँ। अच्छा, आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये शुरू किया? 15 का। सिर्फ 15? और तुम? मैं 16 साल का था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने साल तक ये काम कर सकते हो? सिर्फ 1 साल करूंगा, अगले साल छोड़ दूंगा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तुम क्या पढ़ना चाहते हो? मैं एक डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ। डेंटिस्ट? हाँ, डेंटिस्ट बनूंगा। पर क्यों? कभी कभी मैं टीवी पर एड्स देखता हूँ, लोग स्माइल कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबके दांत ऐसे ही दिखने चाहिए। ये मेरा सपना है। यानी तुम लोगों को खुशी देना चाहते हो? हाँ हाँ, उन्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इन लोगों को अपना सामान बांधते देख मैं असमंजस में हूँ। मुझे मालूम है कि ये जो कर रहे हैं वो अवैध है, और इनके इन ड्रग्स के कारण दुनिया भर में लाखों परिवार तकलीफें झेलेंगे। लेकिन इनके साथ 2 दिन बिताने के बाद मुझे इनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। ये बच्चे हैं और मेरे अपने बेटे से सिर्फ कुछ साल बड़े हैं। ये सोचकर बुरा लगता है कि ब्रेम में विकल्पों की कमी के कारण इन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है ताकि अमेरिकन्स को ड्रग्स मिल सकें। ओके, ध्यान से जाना। शुक्रिया। उन्होंने बताया कि इन्हें 12 घंटे और चलना है, और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे और फिर और चलेंगे। तो अब आप लोगों से संडे को मुलाकात होगी। हाँ, संडे को। ठीक है। हमने इनके सफर के खत्म होने पर आपस में मिलने का प्लान किया, पर मुझे चिंता है। जंगल ट्रेल पर कुछ भी हो सकता है। इस काम में जिंदगी खतरे में डालनी पड़ती है। इन मोचिलेरोस के वादी से बाहर निकलने के साथ ही कोकीन का दाम बढ़ जाता है। इनका इलाका तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सिर्फ पहला हिस्सा है। अगर मोचिलेरोस ये चढ़ाई सही सलामत कर पाए तो ये चीज को नए मालिक को बेचेंगे, और वो ड्रग्स कार के जरिए लीमा ले जाएगा, और फिर उत्तर में इसका सफर जारी रहेगा। हर बदलते मालिक के साथ दाम भी बढ़ेगा। स्मगलर्स दाम में ट्रांसपोर्ट और जोखिम का खर्च भी जोड़ते जाते हैं, साथ ही हर एक अपने हिस्से का मुनाफा भी लेगा। फिर ये कोकीन एक्वाडोर से कोलंबिया पहुंच जाएगी, जो मेरी अगली मंजिल है। पहली नजर में टर्बो कैरेबियन के किसी फिशिंग टाउन जैसा लगता है, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और है। जो हैरान कर देगी। लोगों का कहना है कि टबो एक मौज मस्ती वाली जगह है। यहाँ लोग खूब पीते हैं, पार्टी करते हैं, और हो सकता है कि जल्द ही यहाँ सड़कों पर आपकी जान भी चली जाए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक बहुत ही खतरनाक दुनिया में रहते हैं। टबो में ज्यादातर मछुआरों की आबादी रहती है, लेकिन कोकेन का कारोबार इनका मुख्य धंधा है। ओलिवर शिमेक एक जर्मन फोटो जर्नलिस्ट है, जिनके कई दशक कोलंबिया में ड्रग ट्रेड को डॉक्यूमेंट करते हुए बीते हैं। मरियाना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलंबिया से अमेरिका जाने वाली ज्यादातर ड्रग्स टबो से होकर गुजरती है। अगर कोई समुद्र के जरिए स्मगलिंग करना चाहे, ठीक है, तो ये एकदम परफेक्ट जगह है।
यहाँ पर कार्गो बोट्स चलाने वाले लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम ऐसी किसी बोट को देखना चाहें या उसमें राइड करना चाहें तो मैं यहाँ पिछले 21 साल से हूँ और ड्रग कार्टल्स तक मेरी अच्छी पहुँच है। बस सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि उन्हें हम पर विश्वास कितना हो पाता है। ओलिवर अपने लोगों का इस्तेमाल करते हैं और मुझे शहर के छोर पर मौजूद एक डॉक पर जाने को कहते हैं बिना कैमरे के। लेकिन वादे के मुताबिक हमारी मुलाकात एक बोट में दो कोकीन स्मगलर से हुई। मछुआरे इस काम के लिए सही क्यों माने जाते हैं? अपने तजुर्बे की वजह से, और कानून भी मछुआरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो आप चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। यहाँ बहुत सारे हथियारबंद ग्रुप हैं, वो सभी हमारी सर्विसेज लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने माल को लाने ले जाने के लिए स्पीड बोट्स की जरूरत पड़ती है। ये एक स्पेशल सर्विस है, एक चार्टर फ्लाइट की तरह। आज इन बोट्स में सामान नहीं है। स्मगलर्स अपने काम के बारे में तो बात करने को राजी हो गए, लेकिन वो मुझे प्रोडक्ट के करीब नहीं जाने दे रहे। करोड़ों रुपए के जिन पेलोड्स को वो लाते ले जाते हैं, उन्हें विदेशी जर्नलिस्ट को दिखाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो जब आप ड्रग्स ले जाते हैं तो उन्हें बोट में छिपा कर रखते हैं? हाँ, फिशिंग नेट से ढक देते हैं और ड्रग्स नीचे होती हैं। और लगता है जैसे आप फिशिंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये आपका सामान है, लेकिन असल में वो असल में ड्रग्स ही होती हैं। कोकेन? हाँ, कोकेन। आप लोग इस तरह के पैंगा बोट्स में ड्रग्स को क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये सबसे तेज जरिया है, लहरों पर ये फिसलती चली जाती है। अगर पुलिस आपको देख ले तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हम ड्रग्स को पानी में फेंकना शुरू कर देते हैं। हम बोट्स में कुछ भी नहीं छोड़ते। फिर इन ड्रग्स का क्या होता है? वो सब खराब हो जाते हैं। कभी कभी माल के मालिक के साथ भी दिक्कतें हो जाती हैं और आपकी जान भी जा सकती है। हम इस इंटरव्यू को यहाँ समुद्र के बीच में क्यों शूट कर रहे हैं? इस पूरे इलाके पर क्लैन दल गोल्फो का कब्जा है और उसके लोग इस इलाके पर नजर रखते रहते हैं, और हो सकता है कि शायद अब भी वो हमें देख रहे हो। इस वक्त भी? हाँ बिल्कुल, वो छुपे रहते हैं। कई अनजान मछुआरे भी ये काम कर सकते हैं। इसीलिए आप इतने घबराए हुए हैं? जो मैं काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं किया जाता। उन्हें लगेगा कि आप हमें खबरें दे रहे हैं। हम खबरी हैं, बिल्कुल। वो हम सबको मार सकते हैं। देखो वहाँ सामने एक बोट दिख रही है। फिशिंग बोट? हाँ। वो एक मछुआरा है, लेकिन हमें बताया गया है कि अगर कोई बोट आपके पास आए और वो मास्क हटाने लगे तो उनके ऐसा करने पे हमें कैमरे नीचे करने होंगे। हमें उन्हें बताना होगा कि हम टूरिज्म पर शो कर रहे हैं। ये लोग परेशान हो रहे हैं तो हम इसलिए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये मछुआरा है और हम ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अपने मास्क उतारने वाले हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। मैं कोलंबिया के कोस्ट के नजदीक एक बोट में हूँ और मेरे साथ हैं दो घबराए हुए कोकीन स्मगलर्स। ये पास से गुजरते एक मछुआरे की वजह से डर गए, तो अब ये मुझे समुद्र में और आगे ले जा रहे हैं जहाँ बात करना शायद आसान होगा। मुझे बताया गया कि ये सभी मछुआरे सभी लोग क्लैन के लिए काम करते हैं, तो अगर उन्होंने इन्हें हमसे बात करते देख लिया तो क्लैन को बता देंगे वो, और तब इनके लिए खतरा हो सकता है। अगर उन्होंने आपके बारे में बता दिया तो आपके लिए दिक्कत सीधा सा मतलब होता है, इन लोगों से उलझना ठीक नहीं है, वरना मौत तो पक्की है। ओके, सब तैयार हो जाओ, पोजीशन लो और शूट। क्लैन डेल गोल्फो कोलंबिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ड्रग कार्टल है। इसमें सबसे सख्त जान पैरा मिलिट्री फाइटर्स और वांटेड वॉर क्रिमिनल्स हैं। क्लैन डेल गोल्फो कितना ज्यादा हिंसक है? आपको इन लोगों से काफी सावधान रहना होगा क्योंकि आपका सामना अपराधियों से ही तो है। 1.5 साल पहले इन लोगों ने पूरा गांव का गांव ही जैसे खत्म कर दिया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये काफी ताकतवर है किसी सुपर कार्टल की तरह। ये तो मेक्सिको के ग्रुप से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। क्या बात है,
मैं जानती हूँ कि कार्टल लीडरशिप तक पहुँच बनाना बहुत बड़ा जोखिम का काम है। कई दिन तक ये लगता रहा कि मैं इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाऊंगी, लेकिन फिर एक दिन इजाजत मिल गई। अब मैं वहीं जा रही हूँ। हमने बस पहला दायां मोड़ लिया है, हम एक गाड़ी में हैं। हमारे आगे वाली कार में क्लैन डेल गोल्फो का इस इलाके का एक टॉप कमांडर बैठा है। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पर हम कमांडर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ क्या पहुंच गए हाँ। सैनिक नजर आ रहे हैं, एक सैनिक वहां सामने भी है। अरे बाप रे, सिक्योरिटी तो देखो ठीक है। लेकिन हर कहीं मिलिट्री के नजर आने से हमारी घबराहट थोड़ी बढ़ गई है। हमें यहाँ देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलो। ठीक है, जल्दी कीजिए। हम पहुँच गए हैं, एक रैंच हाउस है। ठीक है, वन टू, आवाज आ रही है? वन टू थ्री फोर। जी मरियाना, ठीक है शुरू कीजिए। आप लोगों के साथ यहाँ रहकर हम जोखिम उठा रहे हैं, इस काम में हमारे लिए बहुत खतरा है। हालांकि कमांडर और उसके बॉडीगार्ड को ओलिवर पर भरोसा है, लेकिन वो हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो घबराए हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि आप लोग कौन हैं, कहीं आप पुलिस वगैरह से तो नहीं हैं? नहीं नहीं, चिंता मत करिए, हम पर भरोसा रखें। जरा इसे देखें। मैंने उन्हें अपने पिछले काम की कुछ तस्वीरें दिखाई, जिनसे उन्हें हम पर भरोसा हो जाए कि मैं पुलिस से नहीं हूँ। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? आखिरकार ये लोग इंटरव्यू के लिए राजी हो गए। ठीक है, तो बताइए कितने लोग आपके लिए काम करते हैं यहाँ पर? इस समय मेरी टीम में 300 लोग हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। कोलंबिया में यहाँ क्लैन डेल गोल्फो कितना बड़ा है? जहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ वहाँ हमारे 2500 लोग हैं। कारोबार की आम दुनिया में इस शख्स को ऑपरेशंस का वीपी कहा जा सकता है। ये कोलंबिया के जंगल में मौजूद एक फार्म हाउस से एक पेचीदा ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क चलाने में मदद कर रहा है। यह आप कोकेन की कितनी मात्रा को हैंडल करते हैं? मैं नहीं जानता, बताओ कितनी होगी? 1000 किलो। हर महीने या फिर हर साल? हर हफ्ते। यहाँ से हर हफ्ते 1000 किलो कोकेन गुजरती है? समंदर के रास्ते। मायामी में कोकेन की इस हफ्तावार शिपमेंट की कीमत होगी करीब 2 अरब। इस ग्रुप को कंट्रोल कौन करता है? वो शख्स जो हमारे ग्रुप को कंट्रोल करता है, उसका नाम है ओटोनियल। मैं हूँ डायरो एंटोनियो उसुगा डेविड, कोलंबिया एजीसी की गायतेनिस्ता सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का जनरल कमांडर हूँ मैं। क्लैन डेल गोल्फो का टॉप कमांडर ओटोनियल कोलंबिया की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है और उस पर करीब 35 करोड़ रुपए का इनाम है। वो सरकारी अधिकारियों का कत्ल कर चुका है और उसने एक नाइट क्लब में एक हथगोला फोड़ने का हुक्म दिया था। वो अपने सैनिकों से पूरी वफादारी की उम्मीद करता है। हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम करना नहीं चाहते, हमारा दिल इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार दिए जाएंगे, और मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। बातचीत के दौरान मुझे ये एहसास होने लगा कि कार्टेल में इतना ऊंचा रुतबा पाने के बावजूद सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। बेशक हम इस जगह पर हैं, लेकिन लोगों को हमारा पता चल सकता है, हमें मार सकते हैं ये लोग, क्योंकि किसी की भी नजर हम पर हो सकती है और वो दूसरे लोगों को बता देगा। तो अगर आपके लिए इतना खतरा है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम इस जंग से तंग आ चुके हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा देश कैसा है, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां कैसी हैं। मेरी एक बेटी है जो 4 साल की है, हम भी अपने बच्चों को बड़े होता देखना चाहते हैं, हम भी आजाद जिंदगी चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जिसमें सरकार से खतरा ना हो, हमारे ही लोगों द्वारा हमें मारने का डर ना हो, यानी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, आप ऐसा चाहते हैं? हमारे देश और पूरी दुनिया में एक जंग चल रही है जिसकी वजह है कोकेन, इसलिए पूरी दुनिया में जंग के हालात हैं, हर किसी को इसका मुनाफा चाहिए।
पिछले कुछ बरसों में कोलंबिया में कोकेन की तस्करी बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी है, और ये लोग मुझे जो बता रहे हैं उससे लगता है कि ये बढ़ोतरी अच्छी नहीं। फिर भी ये देश दुनिया के कोकेन कारोबार का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना हुआ है। यहाँ से करीब आधी सप्लाई यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचती है, और बाकी का हिस्सा जाता है अमेरिका, बशर्ते स्मगलर्स इन लोगों से बचे रह पाएं। हमें अभी अभी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही एक बोट नजर आई है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा इलाका है। आमतौर पर 12 मीटर से लंबी ऐसी बोट जिसमें केबिन और ढेर सी जगह हो, उसमें आराम से काफी ड्रग्स छिपाई जा सकती है। हम इस बोट पर चढ़ेंगे, जिस पर ड्रग्स की स्मगलिंग का शक है उसका एक मालिक होगा, उसके पास हथियार भी हो सकते हैं और नहीं भी। एक दूसरे का ध्यान रखें, अपना काम ध्यान से करें और हर हालत में अपनी बात को मनवाएं। पिछले 5 साल में यूएस कोस्ट गार्ड ने समुद्र में कोकेन की रिकॉर्ड मात्रा को जब्त किया है। आज हम प्योर अनकट कोकेन की 6 मैट्रिक टन, 9 मैट्रिक टन और 20 मैट्रिक टन मात्रा ऑफलोड करने वाले हैं। इसकी कीमत करीब 14 अरब रुपए होगी। ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े संगठन बड़े चालाक होते हैं और खुद को छिपाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसके लिए वो तेज रफ्तार वाली बोट, लो प्रोफाइल बोट, यानी कोई सेमी सबमर्सिबल या कोई फुली सबमर्सिबल बोट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस हो। चलो अब वेसल की तरफ चलते हैं। हम बोर्डिंग टीम को इकट्ठा करेंगे, फिर उसे छोटी बोट पर ले जाएंगे और उसके बाद जांच पड़ताल करेंगे। तैयार हो? जब तक हम बोट पर खुद नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं चल पाएगा कि वहां पर हो क्या रहा है। सेट। किसी ऑफिसर के काम का सबसे खतरनाक हिस्सा वो होता है जब वो ड्रग्स के शक वाली किसी बोट पर कदम रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेक पर पैकेजेस मौजूद हैं। ठीक है, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमें बोट दिख गई है। ऐसे में स्मगलर्स के सामने एक मुश्किल विकल्प होता है, कार्गो पानी में फेंक कर कार्टल का गुस्सा झेलें या फिर जान बचाएं और वहां से भागने की कोशिश करें। हम यूएस कोस्ट गार्ड से हैं, अपने हाथ ऊपर करो। अब हमें ये बताओ कि इस बोट पर कोई हथियार वगैरह तो नहीं है? ठीक है, हम आपकी बोट पर आएंगे और उसकी जांच पड़ताल करेंगे। आप लोगों को सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा जो इस साइज की बोट पर लागू होते हैं। मायामी से 226 किलोमीटर दूर कोस्ट गार्ड ने एक संदिग्ध स्मगलिंग बोट का पीछा किया। उस बोट का पीछा करो, वो अपने पुराने स्मगलिंग रूट पर है। हाल ही में करिबियन में ड्रग्स के पुराने स्मगलिंग रूट्स का फिर से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ पर बोट्स लगातार आती जाती रहती हैं। इनमें से वाकई कुछ फिशिंग कर रही होती हैं, लेकिन कुछ में ड्रग्स भी छुपे हो सकते हैं। समुद्र में जो नार्कोटिक्स जब्त किए जाते हैं उनमें से ज्यादातर में कोकीन होती है। बोट पर चढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये एक चार्टर बोट थी जिसे एक संदिग्ध जगह के लिए किराए पर लिया गया था। बोट पर हर किसी ने आदेशों का पालन किया, और अगर बात सुरक्षा की हो तो ऐसी हालत में इससे अच्छा नतीजा कुछ हो ही नहीं सकता। ड्रग्स नहीं मिली तो कोस्ट गार्ड आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र में ड्रग रनर्स को पकड़ना चूहे बिल्ली का खेल जैसा है। हम जिस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं उसका आकार कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट से भी बड़ा है। अब आप सोचिए कितने बड़े इलाके में पुलिस की सिर्फ 3 या 4 कार गश्त लगा रही हो और कोस्ट गार्ड हमारे शिप्स के जरिए यही काम कर रहा है। अमेरिका में इन ड्रग्स के दाखिल होने से पहले इनका यहीं पर जब्त किया जाना बहुत जरूरी है, वरना ये अमेरिका के अलग अलग राज्यों में फैल जाएगी। पेट्रोलिंग के लिए इलाका इतना बड़ा होने के कारण सबको पकड़ना नामुमकिन है। इतनी कोशिशों और रोजमर्रा के मिशन के बाद भी अमेरिका भेजी जा रही ड्रग्स का सिर्फ 10% हिस्सा ही पकड़ में आ पाता है। कोकेन का बाकी 90% हिस्सा पकड़ में नहीं आता और वो अंधेरे की आड़ में बोट्स के जरिए मायामी की तरफ बढ़ जाता है। कोकेन के बल पर पनपे इस शहर को 40 साल हो गए हैं, लेकिन ड्रग मनी अब भी यहाँ आ रहा है। ये कन्वर्टिबल कार मेरे बचपन की एक मीठी याद से जुड़ी है, क्रॉकेट और टब्स। मैं कोक डीलर से मिलने साउथ बीच की तरफ जा रही हूँ और मुझे मायामी वाइस का आखिरी एपिसोड याद आ रहा है जब वो अपने बैचेस लौटाने का फैसला करते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। कोकेन हाईवे पर 4800 किलोमीटर का सफर करने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप जो बेचते हैं वो आपके पास है? हाँ हाँ है मेरे पास। वो आपके पास अभी है? हाँ, मैं उसके कुछ बैग्स अपने साथ लाया हूँ। ये आम पाउडर जैसा लगता है, मैं इसके कुछ पाउच लाया हूँ, ये देखिए। ये सिगार केस जैसा है। देखिए, मुझे जो बैग लगभग 1500 या 1600 का पड़ता है, उसे मैं यहाँ साउथ बीच पर आकर 3000 के आसपास बेच देता हूँ। तो मैं इस तरह मुनाफा कमाता हूँ। अगर दिन अच्छा हो तो मैं 55 ग्राम तक बेच देता हूँ, जो मुझे पड़ती है लगभग 1.5 लाख में। और अगर आप इसे बेचें तो आप क्या कमाएंगे? 4 से 4.5 लाख तक। इसे बेचने में कितना वक्त लगता है? ये 3 दिन में बिक जाती है, बड़े आराम से। यानी 3 दिन में आप कमा लेते हैं करीब 2 लाख रुपए। एक दिन में करीब 50 से 75 लाख रुपए। हाँ। क्या आप प्योर कोकेन बेचते हैं या फिर? हाँ, ये प्योर ही होती है, इससे लोगों को कई दिन तक खुमार रहता है। साउथ बीच पर इसकी बहुत मांग है, क्लब्स में इसकी खूब धूम मची रहती है। साउथ बीच का मतलब है कोकेन, और आज की पीढ़ी को तो ये चाहिए ही। हर कोई पार्टी करने के लिए मायमी आता है, वो इस पार्टी सिटी में पार्टी करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। यह यहाँ की लाइफ का हिस्सा है। आधी रात बीत चुकी है और डीलर मुझे अपना काम दिखाने पर राजी हो गया, बशर्ते मैं उसके नियमों का पालन करूं। तो हम वहाँ अपने कैमरे नहीं ले जा सकते? वो इसी बात पर सहमत हुआ है कि हम कार में ही रहेंगे और यहीं से शूटिंग करेंगे। आप इसे बेचते कैसे हैं? खुद को बस छिपाए रखना होता है। इस काम में सबसे आगे रहना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको फंसाने की कोशिश करें। यानी सावधान रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी जब माल ज्यादा होता है तो मुझे साथ में पिस्टल रखनी पड़ती है, क्योंकि लोग आपको लूट सकते हैं। कौन सी पिस्टल है आपके पास? 0.357 मैग्नम, 15 सेंटीमीटर बैरल वाली। ये मेरी पसंदीदा पिस्टल है। आपने इसे यूज किया है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, उसे एक फोन आया है और वो कहीं जा रहा है। वो अंदर चला गया है। फिलहाल मैं सारा काम टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए ही करता हूँ। मेरे पास एक बर्नर फोन है, एक अनट्रेसेबल फोन। ठीक है, अब वो हमारी तरफ आ रहा है। मैं जरा चेक करती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। अभी उस लड़के ने 0.5 ग्राम खरीदी है 3000 रुपए में। क्या इस रेस्टोरेंट के अंदर? हाँ, बाथरूम के अंदर। अच्छा, आप बाथरूम के अंदर गए और उसे कोकीन दी और बस? बस ऐसे ही होता है। वो 2 पैकेट भी ले सकती थी, लेकिन यहाँ साउथ बीच में दाम डबल हो जाते हैं, मुनाफा भी तो कमाना है। एक हफ्ते में आप कितने लोगों को ड्रग्स बेचते हैं? एक हफ्ते में मेरे ख्याल से 75 लोगों को। ये तो काफी ज्यादा है। माली इतना अच्छा है। आपको पकड़े जाने का डर नहीं होता? हाँ, अब डर लगने लगा है, क्योंकि मेरी एक फैमिली है। लेकिन क्या करूं, मुझे भी तो कुछ कमाना ही है, खर्चा चलाना है घर का। अब इसका जरिए चाहे कोई भी हो, ये एक छोटी सी कुर्बानी है। मैं अपनी जमानत के लिए थोड़ा पैसा अलग रखता हूं, अगर कुछ हो जाए तो अपना बचाव कर सकूं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1 किलो कोकेन को अमेरिका तक पहुंचने में किस तरह का सफर तय करना पड़ता है, या ये किन किन हाथों से होकर गुजरती है। लेकिन शुरू से आखिर तक ये जिन रास्तों को तय करती है, उसे शक्ल देता है सिर्फ पैसा। ये बात मायामी की सड़कों पर भी उतनी ही साफ है जितनी कोलंबिया की बोट्स पर या पेरू की जंगल बोट्स पर। ठीक है, रुक जाओ, ये लोग यहाँ हैं। इधर रेम में केमिस्ट और डेंटिस्ट बनने की इच्छा रखने वाले दोनों युवा 30 किलो ब्रिक्स लेकर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी के लोग कहाँ हैं? वो पहुँच नहीं पाए, एक घायल हो गया और एक बीमार हो गया, तो वो वापस चला गया। वो पहुंचा या फिर नहीं? अब तक तो नहीं पता। ये काम ऐसा ही है, आप जान जोखिम में डालते हैं और गड़बड़ होने पर जान गंवा देते हैं। और ये कोकीन तुम दोबारा फिर कब लेकर आने वाले हो? 15 दिन में। अच्छा, 15 दिन में फिर ये काम करोगे तुम? मैं बस यही काम करता हूँ।
पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ इसी तरह पैसा कमाऊंगा। दुनिया में पैसा कमाने का सबसे आसान जरिया है कोकेन। कोकेन कभी खत्म नहीं होगी, इसके खत्म होने का सवाल ही नहीं। ये तभी खत्म होगी जब दुनिया खत्म होगी।